फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जायका किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं रशियन कबाब। ये बहुत ही टेस्टी होता है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जायका किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसे बनाना। पैन गर्म करने के बाद हम इसमें तेल डाल देंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम उसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे। और इसे हम फ्राई कर लेंगे। देखिए, ये शिमला मिर्च अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे, थोड़ा साइड में ऐसे कर लेंगे कि तेल जो है वो अलग हो जाए। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे, फिर इसे निकाल लेंगे। हमने शिमला मिर्च को निकाल लिया है, फिर उसी तेल में हम डाल देंगे। देखिए, हमने सब्जियां कट करके रख ली हैं। ये प्याज, गाजर कद्दूकस कर लिया है, और ये कैबेज, पत्ता गोभी, बंद गोभी जिसे भी कहते हैं। अब हम प्याज डाल देंगे। प्याज डालने से पहले हम डाल देंगे बारीक कटी हुई अदरक और लहसुन। इस तरह से हमने बारीक कट कर लिया है अदरक लहसुन को। इसको डालते ही हम फौरन डाल देंगे प्याज। फिर हम इसे अच्छे से चला लेंगे। प्याज नरम हो चुकी है, अब हम इसमें डाल देंगे कैबेज। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट इसे हम चला लेंगे। देखिए, ये नरम हो चुकी है। इसे 1 मिनट हम और यहीं चलाते हुए पका लेंगे। देखिए, अब हम इसमें डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ गाजर। आप इसे बारीक बारीक कट भी कर सकते हैं या कद्दूकस कर सकते हैं, अगर आपको जैसा समझ में आए, अच्छा लगे, जो आपको इजी पड़े आप वो कर सकते हैं। कद्दूकस कर लीजिए या बारीक कट कर लीजिए गाजर को। इसे भी हम भून लेंगे। फिर हम इसमें शिमला मिर्च डाल लेंगे, जिसे हमने फ्राई करके रखा था। अब इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। हम 2-2 मिनट सिर्फ सारी सब्जियों को मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन, जिसे हमने बॉईल कर लिया था, अदरक लहसुन डालकर। फिर उसका देखिए इस तरह से रेशा रेशा अलग कर लिया है, इसे हम डाल देंगे। इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी अदरक लहसुन का पेस्ट हमने बना लिया, उसे डाल देंगे। फिर इसे बहुत अच्छे से हम भूनेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हरी मिर्च, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल दीजिए। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए। अब हम इसमें डालेंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, चिकन मसाला, और थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें गरम मसाला 1/4 चम्मच। फिर इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे उबले हुए आलू। आलू को हमने मैश करके डाला है, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें सॉस डाल देंगे। 1 चम्मच सोया सॉस, सॉरी, ग्रीन चिल्ली सॉस और सोया सॉस। 1 चम्मच सोया सॉस भी हम लेंगे और 1 चम्मच ग्रीन चिल्ली सॉस भी हम लेंगे। सोया सॉस हम डाल देते हैं। 2 चम्मच टोमेटो सॉस डाल देंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। फिर इसे भी मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फिर इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम टिकिया बनाएंगे। देखिए, इस तरह से हमने सारे कबाब बना के तैयार कर लिए हैं। ये लिया है हमने 3 चम्मच मैदा, इसमें डालेंगे हम पानी और इसे अच्छे से घोल लेंगे।
इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घोलेंगे और थोड़ा मोटा ही इसे रखेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा मोटी ही रहती है, तो गाढ़ी रहती है। देखिए हमने इस तरह से इसे घोल लिया है, इतना मोटा ये हम होता है। और ये है सेवई, मोटी वाली जो मार्केट में मिलती है सेवई, ये वो वाली है। इसे हमने छोटा छोटा तोड़ लिया, देखिए इतना बड़ा बड़ा। अब हम एक कबाब लेंगे, उसको पहले ये जो मैदे का बैटर था इसमें हम डिप करेंगे अच्छे से उलट पलट के, फिर उसके बाद हम इस पर सेवई लगा देंगे। देखिए इस तरह से हमने इस पर सेवई लगा ली है। अब हम बाकी सारे कबाब पे भी इसे इस सेवई और मैदे का जो ये बैटर है वो लगा देंगे। देखिए इस तरह से हमने सारे कबाब पे सेवइयाँ लगा के रेडी कर लिया है। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं, जिसके लिए हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें कबाब डाल देंगे। जब कबाब एक तरफ का थोड़ा सा गोल्डन होना शुरू हो जाएगा तब हम इसे पलटेंगे। हम इसे पलट पलट के दोनों तरफ का देखिए गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, उतना फ्राई कर लेंगे। देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, हम इसे निकाल लेंगे और हम बाकी के कबाब को भी फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारा क्रिस्पी एंड क्रंची रशियन कबाब बनके तैयार हो चुका है। आप इसे टोमेटो सॉस के साथ सर्व कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़ायबा किचन को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।